आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। केडीलैंड डेवलपर्स की पेशकश। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, हम लोग राष्ट्रवादी के सिंबल पे चुन के आए। उसके बाद हम मुफ्ती साहब की सदारत में शहर के अंदर काम कर रहे थे। असेंबली का इलेक्शन आया, मुफ्ती साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया राष्ट्रवादी पार्टी से। मुफ्ती साहब ने इस्तीफा जरूर दिया, बहरहाल हम उस सिंबल से चुन के आए। हम लोग महागठबंधन बनाया हम लोगों ने मिलकर। इसके लिए हम इस्तीफा नहीं दे सकते थे, हम मुफ्ती साहब के साथ जरूर थे। बहरहाल राष्ट्रवादी के सिंबल पे चुन के आए। और रहा सवाल आपने जो एक बात पूछा कि क्यों मिलना चाहिए, आप खुद इस तरीके से वाकई में शहर के अंदर के मालेगांव शहर के अंदर चाहे 2001 का फसाद हो, चाहे अभी इस पीरियड जो महामारी का पीरियड गया उसके अंदर आप लोगों ने देखे मेरी खिदमत को देखते हुए, शहर के अंदर मैंने हर फील्डों के अंदर काम किया। अभी 16 घंटे मैंने काम करने के बाद दवाखाने में इससे मुलाकात कर, उससे इसको दवाखाने में एडमिट करें, सब कर, सारी मेरी खिदमत है शहर के अंदर। मैं 25 साल से शहर के अंदर चुन के आता हूँ, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक सदारत मिले और एक प्लेटफॉर्म पे मैं काम करूँ। लेकिन शहर के अंदर एक बात आवाम ने गश्त कर रही है कि आप जब मुफ्ती साहब MIM से इलेक्शन लड़ रहे थे तो आप उनके स्टेट पर गए, आपने राष्ट्रवादी के ताल्लुक से कुछ जुमलात भी बोले। राष्ट्रवादी शहर से जुमलात बोलने का सवाल नहीं है, स्टेज उनके स्टेज के ऊपर गए, ये बात एकदम सही आया है वो चीज, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। उसके बाद पार्टी के अंदर कोई वाली नहीं था, तो हम किसकी बात सुन के कहां जाते। राष्ट्रवादी को तो कोई बात बोलने का तो सवाल ही नहीं आया कि किसी को कोई बात बोलने का रहा सवाल। लेकिन आवाम के बीच में ये बात भी गश्त है कि मतलब राष्ट्रवादी की तरफ आपको भेजने में मुफ्ती साहब का मतलब इसमें अव्वल दखल है, इस पर आप क्या बोलेंगे। अरे ये सब घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा, मुफ्ती साहब क्यों भेजेंगे, इसे क्या सम्मान है मुफ्ती साहब का। घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा ना, अगर मुझे सदारत मिलती है तो शहर के अंदर काम करने के लिए सदारत। केडीलैंड डेवलपर्स की पेशकश। नहीं, इससे ये एक बात भी चल रही है कि मतलब हो सकता है कि मुफ्ती साहब मतलब राष्ट्रवादी की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मुफ्ती साहब क्या करेंगे वो नहीं, मैं तो राष्ट्रवादी की सदारत मुझे मिले ना मिले बहरहाल मैं राष्ट्रवादी के अंदर रह के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला हूँ, आगे भी मैं यही करूंगा। अच्छा, मतलब आपको सदारत नहीं भी मिलती है तो भी मैं राष्ट्रवादी की प्लेटफॉर्म से काम करूंगा। अच्छा, और जिसको भी सदारत मिलती है आप उसके साथ साना बसाना चलेंगे। बिल्कुल, उसके साथ में रह के काम करूंगा इंशाल्लाह। इसी मालूम पड़ी है कि 4 को मालेगांव शहर में अब्जोर आ रहे हैं, जबकि मेरी मालूमात के हिसाब से पहले मालेगांव शहर में अब्जोर आकर जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लेना था वो लेकर जा चुके, लेकिन दोबारा से अब्जोर का आना ये बात को मतलब एक हिसाब से मतलब पावरफुल माना जा सकता है कि मतलब आपके इसमें इच्छुक होने के बाद पार्टी फिर से अब्जोर को भेज रही है, इसका मतलब ये है कि मतलब आप में कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर मतलब आपका पावर है। ऐसा है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ और अभी भी आपको बोल दे रहा हूँ, जैसा लोग बोलते एक तो पैसा काम आता ना, तो एक तो ताल्लुकात काम आते हैं। तो मेरे जो ताल्लुकात है मुझे ताल्लुकात काम आएंगे, मुझे ऐसा लगता। मैंने जो ताल्लुकात बना के रखा आज 25 साल की कारपोरेटरशिप के अंदर, जो मेरे अपने ताल्लुकात मिनिस्टर लेवल से है, तो वो ताल्लुकात मुझे कहीं ना कहीं काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब ये आपका अपना पर्सनल रिलेशन है जो ऊपर तक का फेस अब्जोर भेजने में, मतलब ये मेरा पर्सनल रिलेशन है कि मैंने लोगों से ताल्लुकात बना के रखा हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि मैंने किसी को बोल दिया तुम बोलवा दो तुम बोल दो, ऐसा मेरे को नहीं। मैंने डायरेक्ट ताल्लुकात बना के रखा हूँ, और जब मेरी एंट्री हुई तो उसके अंदर फिर ऑब्जर्वर वापस मालेगांव में पहले यासीन मोमिन आए थे, और उसके बाद यासीन मोमिन आने के बाद मेरी अजीत दादा पवार से जब भी मुलाकात हुई थी, मेरे बहुत अच्छे से बातचीत हुई थी उनसे, और कम से कम अजीत दादा ने सरकार बनने के बाद मेरे से 15-20 बात किए। हम लोगों ने सुबह 7 नाश्ता किया उस वक्त, तो उसके बाद एक लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने के बाद जाहिर सी बात है हालात वैसे नहीं थे, फिर मैंने मेरा एप्लीकेशन दिया कि मुझे सदारत चाहिए, फिर वो वापस एक ऑब्जर्वर की एक टीम मालेगांव के अंदर अविनाश अधिक करके जो पहले मुख्यमंत्री गोविंदराव अधिक साहब थे उनके फर्जंद हो, उस 4 को मालेगांव आने वाले हैं और वो जायजा लेंगे शहर के अंदर घूम के बोलो या और जो भी उनका तरीकेकार होगा, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे अपने ऊपर। या रिलेशन काम आते तो इस पे मतलब इस शहर की आवाम ने क्या समझना। नहीं, मेरे तो रिलेशन ही इतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने रिलेशन बनाए हैं मेरे को, तो मुझे मेरे रिलेशन काम आएंगे और कहीं ना कहीं मुझे सफलता इसमें मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर कारपोरेशन हुई जब से लेकर आज तक मालेगांव शहर की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनशिप की सीट सबसे ज्यादा आपको मिली है, बेशक उसमें आपके मतलब क्या खिदमत रही है, ऐसे जो जामिया काम हो जो शहर जानता हो जिसका। सवाल कामकाज के ताल्लुक से आपको मेरे वार्ड के अंदर हर चीज मिलेगी, गांव के अंदर भी हमने कुछ किया है।
नहीं, वार्ड की हद तक तो मतलब एक कारपोरेटर की। मैंने सवाल आपसे पूरे शहर, आप स्टैंडिंग चेयरमैन थे पूरे शहर के थे। देखो स्टैंडिंग चेयरमैन रहने के बाद है ना, आपकी जो आज हॉस्पिटल का जो काम चालू है, जो अपनी अपनी खुद की पीठ थपथपा रही है, इब्राहिम सेठकर मेरा कारनामा है। हम लोगों ने दोनों ने भागदौड़ करके जो जाफरनगर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा, हमारी दोनों की भागदौड़ करने के बाद इसकी मिन्नत समाजित है। ये अपनी अपनी लोग आजकल पीठ थपथपा रहे। जैसे बहुत लोग काम की बात करते हैं ना, हम तो नवे यानी राजकारण के अंदर छोटे लेवल से काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं, हमको बताने के लिए शहर के अंदर हमने क्या काम किए। आजकल मैंने अखबारों के अंदर देखा एक चीज को, कल मैं भी ऑनलाइन था कि घर पट्टी का मसला जो है कि अभी 3 महीने के लिए माफ की जाए, कोई बोलता था 6 महीने के लिए जाए, कोई बोलता है 1 साल के लिए की जाए। ये सब अपनी अपनी पीड़ थपथपाने का काम है। अगर इनमें इतना ही दम है, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर इनको चैलेंज कर रहा हूँ मैं, एक फिर बोल रहा हूँ कि अगर इतनी इनकी आवाम की धोखा दे रही है, खुलूस अगर इनमें है ना, तो ये घर पट्टी नल पट्टी का बिल बढ़ रहा है, इनको बोलते हैं इसके अंदर 3 महीने का कट करके दो, बोलना सरासर आवाम को फिर धोखा दे रहे हैं शहर के अंदर। आप राष्ट्रवादी के अंदर शमूलियत तो आपसे पहले से ही है, लेकिन सदारत की बात है, तो अगर आपको राष्ट्रवादी की सदारत मिले या ना मिले, तो जो बाकी के कारपोरेटर जो राष्ट्रवादी के सिंबल पर जीत कर आए, क्या वो राष्ट्रवादी में आपके साथ रहेंगे या मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे? ये देखो, ये आज बोल नहीं सकते, एक गठबंधन के अंदर हम सब एक बंधे हुए है ना, ना वो कहीं जा सकते ना हम कहीं जा सकते। राष्ट्रवादी की प्लेटफॉर्म से मुझे काम करना है, मैं हर हाल में प्लेटफॉर्म से काम करूंगा। केडी लैंड डेवलपर्स की पेशकश। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।